नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फिलहाल झारखंड के दुमका में पहुंचे हुए हैं और यहां पे हम लोग चुनाव कवर करने आए थे। चुनाव कवर करने के साथ साथ हमारा एक फेसबुक के साथ में करार हुआ था कि हम जहां भी जाएंगे वहां पे स्टूडेंट से, वहां पे डॉक्टर से, तमाम अलग अलग पेशे के लोगों से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि फेक न्यूज़ को कैसे पकड़ा जाए और उससे कैसे बचा जाए। तो वही वर्कशॉप करने के लिए हम यहाँ पर दयाशा क्लासेज हैं, एक कोचिंग है यहाँ पर, बच्चे इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो उस कोचिंग में आए हुए हैं, यहाँ पे प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक। फेक न्यूज़ के बारे में इनको बताएंगे, इनको समझाएंगे, इनसे जानेंगे कि इनके जीवन में फेक न्यूज़ किस तरीके से कहाँ कहाँ आती है, कहाँ कहाँ इनका सबका फेक न्यूज़ से पड़ता है। तो आप लोग तैयार हैं वर्कशॉप के लिए? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम आपको बुनियादी बातें बताते हैं। आप लोगों की जो परवरिश हुई है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हुई है ना, मेरी और सर की नहीं हुई है। हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब ये सारी चीज़ें जो हैं नई नई आ रही थी, है ना, हम लोगों ने जो पहला मोबाइल देखा था वो पैनासोनिक का मोबाइल था, इतना बड़ा, और उसमें बैटरी सेल लगता था, वो वाला, है ना। कॉर्डलेस जो आते थे लैंडलाइन फ़ोन, वो भी हमारे लिए उस दौर में एक तरीके से अजूबे की चीज़ होती थी, है ना। आप लोग जो हम लोगों के दौर में, आप लोगों ने किसी ने पेजर का नाम सुना है? पेजर किसी ने भी नहीं सुना है। अच्छा, मोबाइल से पहले एक मोबाइल का बड़ा भाई होता था, पेजर बोलते थे उसको, है ना। उसमें होता ये था कि आप ऑपरेटर को बोलते थे कि मेरा ये मैसेज जो है उस आदमी फलां आदमी तक पहुंचा दो जिसके पास में पेजर है। वो पेजर से वो अपने यहाँ से वो मैसेज टाइप करता था और एक तरीके से वो सिर्फ SMS दिखाता था। वो पेजर इतना छोटा सा होता था, मोबाइल जैसा, तो उसमें SMS दिखता था सिर्फ। उसके लिए भी आपको फ़ोन करके बोलना पड़ता था। फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे कहीं घूम रहा हूँ दुमका में, तो मेरे घर से फ़ोन आता था उस पेजर के ऑपरेटर के पास में कि वो जहाँ कहीं पे भी हों उनको ये मैसेज पहुँचा दीजिए, तो एक SMS मेरे पास में आता था। उससे पहले तार होता था, उससे पहले अंतर्देशीय कार्ड होता, तो वो तो बहुत अलग बात है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा वो दौर। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई ना इस देश में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, तो उस समय ये बोला गया कि ये टेक्नोलॉजी ना ज्ञान पे, नॉलेज पे, सूचनाओं पे जो एकाधिकार है, जो हेजमनी है, उसको तोड़ देगी, है ना, छिन्न भिन्न कर देगी। कुछ जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो किताबें, जो सूचनाएं पहले कुछ ही लोगों के एक्सेस में थी, कुछ ही लोगों के पहुंच में थी इतिहास के एक दौर में, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे, भारत जब आज़ाद हुआ था 18% साक्षरता थी। उससे पहले भी इतिहास के जब हम दूसरे पन्ने पलट के देखते हैं तो ये जो किताबें जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने मेज पर पड़ी हुई हैं, ये किसी दौर में प्रिविलेज हुआ करती थी। आपको पढ़ना लिखना आना और आपकी किताबों तक पहुंच जो है, ये बहुत बड़ा विशेषाधिकार था, हर आदमी के हाथ में ये उपलब्ध नहीं था, है ना। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने कहा कि यार ये तो इस चीज़ को, ये जो एकाधिकार है, इसको छिन्न भिन्न कर देगी। हर आदमी के पास में इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो जाएगा कुछ ही सालों में। और उसके तकरीबन 20 से 30 सालों के भीतर हमने देखा कि ऐसा हुआ। आपको उम्मीद नहीं होगी कि जब हमको नोट्स बनाने होते थे, हमको रेफरेंस बुक चाहिए होती थी, जबकि हमारे और आपके जनरेशन का गैप बमुश्किल 10 साल का है। आप समझिए कि 10 साल पहले ये कंडीशन होती थी, अगर हमको कॉलेज में नोट्स बनाने हैं तो हमको बाकायदा लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बुक इशू करवानी पड़ती थी और उस किताब से हम नोट्स बनाते थे, वो किताब हमको तय समय सीमा में पढ़ के वापस देनी होती थी, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल, और अगर ऐसा नहीं है कि एक ही किताब है लाइब्रेरी में और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम पहले जेरोक्स के आंग भागते थे, जेरोक्स करवाते थे, नोट्स के जेरोक्स करवाते थे, उस समय पढ़ना लिखना जो है वो बड़ा मेहनत का काम था, है ना। अभी भी है, लेकिन इसने चीज़ें जो हैं आसान बना दी हैं। अब आपके पास में आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने फ़ोन खोला, आपने कोई भी लिंक निकाले, आपने कोई वीडियो देखे, कोई एक्सप्लेनर देखे, और देख के आपने उस टॉपिक को तुरंत समझ लिया, बैठ के नोट्स बना लिया, ना आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। एक क्लिक पे आपके पास में तमाम तरीके की किताबें, तमाम तरीके के नोट्स, तमाम तरीके के पॉइंटर्स उपलब्ध हैं, है ना। ख़ासतौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे आप लोग प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपको उतना, मतलब आपके पास में इतना मटेरियल है कि अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट करें, तो आप अगर उसको कायदे से पढ़ें, तो आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत जो है नहीं होती। आपके पास में वीडियो फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन, आप चलते फिरते देख सकते हैं ना। आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप सब्जी मंडी में हैं, आप दोस्त के यहाँ बैठे हुए हैं, आपको अपना ईयरफोन डालना है, मोबाइल पे आप चीज़ें सारी देख रहे हैं, टीचर भी समझा रहे हैं ना,
नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर ले रहा है, कोई वीडियो बना ले रहा है लेक्चर का, है ना, वो आपको रेफरेंस के लिए काम आ जा रही है। तो ये हमारे दोस्त हमारे टाइम में ये सुविधाएँ हमको उपलब्ध नहीं थी इस दौर में। उसके साथ साथ एक बहुत भयंकर चीज़ हुई है कि हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की, सूचनाओं की बम्बार्डिंग है। मानवीय इतिहास में कभी भी एक साथ एक आदमी के ऊपर इतनी सूचनाएं दागी नहीं गई हैं ना, जितनी हमको अभी देखने को मिल रही हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे 50 से 60 100 मैसेजेस आ रहे हैं, आप पर डे फेसबुक पे 100 मैसेज जो हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, 100 लिंक, आप यूट्यूब पे दसियों वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर पलट रहे हैं ना। वैसी सिचुएशन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन कितनी सही है या कितनी गलत है इसका अंदाज़ा लगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। होता यह है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं आधी अधकचरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है लेकिन आपके सामने रखी जा रही हैं बार बार, है ना, तो आप उसको मान के चल रहे हैं, आप उसके हिसाब से गलत राय बना रहे हैं, तो ये बड़ा खतरा है इस दौर का, है ना। तो वही हमने सोचा कि हम जब आपके पास में आए हम थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दें चीज़ें किस तरीके से हमको देखनी चाहिए या किन डायमेंशंस में अपने को चीज़ों को पकड़ना समझना चाहिए। तो हम दिल्ली से एक बढ़िया आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के लेके आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, कुछ राय आप लोगों से लेता हूँ, कुछ आपसे जानता हूँ कि आपके नज़रिए में ये कितना कामयाब है ना। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई तीन इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको मोटा मोटी हम लोग तीन डायमेंशन में देखते हैं ना। ये तीन डायमेंशन क्या है, ये तीन सिरे क्या है किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखने के, फैक्ट है, ओपिनियन है और रूमर है। फैक्ट है, ओपिनियन है और रूमर है, है ना, पीछे वालों को दिखाई दे रहा है। चलिए फैक्ट क्या होता है, फैक्ट ऐसी चीज होती है जो अपने आप में स्वयं सिद्ध होती है, ऐसी चीज होती है जिसको हम तथ्य कहते हैं, जिसको प्रूव करने के लिए किसी और चीज की गवाही नहीं लगती है ना। जैसे भारत जो ये देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये अपने आप में एक फैक्ट है ना। आज 9 तारीख है, 10 तारीख शुक्रवार है, 2019 की 10वीं मई को शुक्रवार है, ये अपने आप में एक फैक्ट है ना। सूरज पूर्व से उगता है, अपने आप में एक फैक्ट है ना। उसके बाईं तरफ जो दिशा है उसको हम लोग सूरज के, अगर जिस दिशा में उगता है उसको बाईं तरफ की दिशा क्या बोलते हैं, हाँ उत्तर बोलेंगे ना, नक्शा याद नहीं किया तुम लोग ने ठीक से, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी राय, राय या ओपिनियन क्या होता है, राय या ओपिनियन ऐसी चीज़ होती है, अरे बाबा क्लियर नहीं हुआ क्या, सूरज की तरफ मुंह खड़े करके देखोगे इधर वाला जो हिस्सा होगा वो उत्तर ही तो होगा, है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ओपिनियन, ओपिनियन क्या होता है, वो फैक्ट का इंटरप्रिटेशन होता है, आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं और वो निर्भर किस पे करता है, आप किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, किसी चीज़ की व्याख्या कैसे करेंगे, वो किस बात पे निर्भर करती है, वो चीज़ वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप लोगों के लिए आपने जो अभी तक जो जितनी इन्फॉर्मेशन आप बच्चे से बड़े होते मरते दम तक जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप करती है ना, एक आपको नज़र देती है जिससे आपका नज़रिया पैदा होता है दुनिया को देखने का, है ना। हम लोग जब बचपन से जब पहली दूसरी क्लास में आते हैं तो हमको पता चलता है कि तिरंगा हमारा झंडा है ना, उसमें जो है केसरिया रंग सबसे ऊपर आता है, हरा रंग सबसे नीचे आता है, बीच में सफ़ेद रंग हमारे पास भरने के लिए नहीं होता था स्केच में, तो उसको वैसे ही छोड़ देते थे, बनाते थे ना झंडा, तो हमको समझ में आया तिरंगा हमारा झंडा है ना। फिर हमको समझ में आता है कि इसके बीच में ये जो लगा हुआ है ये अशोक चक्र है ना, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं ना। इन्फॉर्मेशन लेते गए तो हमको अपने नेशनलिटी के बारे में पता चला, अपने देश के बारे में पता चला, अपने धर्म, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, है ना, हम चीज़ें उसी तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं। इसको थोड़ा सा ओपिनियन को हम और क्लियर कर लेते हैं, और रूमर्स जो होती हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सिर्फ बिना सिर पैर की इन्फॉर्मेशन होती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनका तथ्य से कोई लेना देना नहीं होता है। याद रखिएगा हमेशा जो भी ओपिनियन होगा वो फैक्ट का इंटरप्रटेशन होगा, क्योंकि फैक्ट अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं और बहुत पवित्र चीज़ें हैं, लेकिन उनको देखने का नज़रिया जो है
वो आपका अपना अपना है। मत मान लीजिए कि 8% की GDP ग्रोथ भी इस देश का सच है और 40% के तकरीबन आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, ये भी इस देश का ही सत्य है ना। तो दोनों चीज़ें इस देश को देखने के अपने अपने नज़रिए जो हैं अपने अपने आपके एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेंगे। तो इसमें आप तो मैं थोड़ा सा अब एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। हम आपको कुछ स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, आप वो स्टेटमेंट देख के बताइए कि ये फैक्ट है कि नहीं है। दिल्ली उत्तर भारत में ये फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। किसको लगता है नहीं, कोई है ऐसा? चलिए, दिल्ली मुंबई भारत में दो शहर हैं, ये आपको क्या लगता है फैक्ट है कि नहीं है? किसी को लगता है नहीं है? अच्छा चलिए, तीसरा है दिल्ली में बहुत शोर है, किसको लगता है ये फैक्ट है? कितने को लगता है फैक्ट है, हाथ खड़ा करिए एक बार। कितने को लगता है ओपिनियन है, हाथ खड़ा करिए एक बार। कुछ को लगता है ओपिनियन है, कुछ को लगता है फैक्ट है। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ओपिनियन वाला मसला बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आप फेक न्यूज पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है, अब इसमें से किस किस को खरगोश नजर आ रहा है और किस किस को बतख नजर आ रहा है? ज्यादातर लोगों को बतख नजर आ रहा है, कम लोगों को खरगोश नजर आ रहा है। किसी को आ रहा है नजर खरगोश? अगर आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको खरगोश नजर आएगा। अच्छा ये क्यों हुआ ऐसा कि ज्यादातर लोगों को बतख नजर आया? क्योंकि हम लोगों की आदत जो है किसी भी डायग्राम को देखने की, वो बचपन से ही बाएं से दाएं की है। हम लोग हिंदी लिखते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं, हम बाएं से दाएं की दिशा में लिखते हैं ना। उर्दू या पर्शियन या अरेबिक हम लोग नहीं लिखते हैं, या हमको उस भाषा की जानकारी नहीं है। तो इस वजह से हमारी पहली नज़र किसी भी चीज़ को पढ़ने की, क्योंकि हमारी आदत है, जो हम बोल रहे थे कि आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस जो है, हम इधर से चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ये आपको खरगोश नज़र आएगा, है ना, समझ गए बात को? तो एक डायग्राम है, लेकिन एक डायग्राम को देखने के तरीके दो अलग अलग हैं, है ना। चलिए ये दूसरा डायग्राम है ना, देख रहे हैं आप? Yes. आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? दो चेहरे। हाँ। आपको? हमको भी दो ही चेहरे आ रहे हैं। दो चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? दो ही चेहरे। दो चेहरे नजर। हाँ। किसी को दो चेहरे के अलावा कुछ नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है, शाबाश। क्या पाया का डिजाइन है बीच में? हाँ, पिलर का डिजाइन है। अगर आप इस एरिया के बजाय इस एरिया को फोकस करेंगे तो आपको एक पिलर का डिजाइन नजर आएगा। आ रहा है आप सबको? हैं, दिमाग की बत्ती जला दे है ना। तो ये है ओपिनियन, बेसिकली ओपिनियन माने किसी भी एक डायग्राम को आप लोगों में से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन की। और फैक्ट जो होता है हम आपको बता चुके हैं। तीसरी चीज़ होती है रूमर। रूमर के एक खास चरित्र ये होता है कि वो हमेशा पैनिक सिचुएशन में फैलती हैं। जब सोसाइटी में, समाज में तनाव की स्थिति होती है, उस समय रूमर या अफवाह फैलती है। तो रूमर का क्या उदाहरण हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण में एक जो केस स्टडी है आज के दौर की वो समझाता हूँ। वो केस स्टडी है 2000 की नोट में चिप है, किसने नहीं सुना था, हाथ खड़ा करिए। सब लोगों ने सुना था, उस दौर में माना भी था, हमारे कई पत्रकार दोस्त थे उन्होंने भी मान लिया था, है ना। वो दौर ऐसा था क्योंकि तनाव बहुत था, आपके हाथ से कैश खत्म हो गया, रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरतों के लिए आपके पास पैसा बचा नहीं, आपको रोज बैंक की लाइन में लगना है, पैनिक सिचुएशन है। उस समय कैसा भी रूमर जो होगा वो धड़ाधड़ फैलेगा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब नहीं थी, समझ रहे हैं, तब होता ये था कि कोई रूमर अगर फैलनी है ना, तो इनको कहेंगे, ये दो आदमी कहेंगे, वो उनको बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, है ना। तो उसको रूमर के खिलाफ या रूमर को ख़त्म करने के लिए भी आदमी को टाइम मिल जाता था, है ना, काउंटर करने के लिए। लेकिन अब आप लोग एक क्लिक से सैकड़ों हजारों लोगों को एक रूमर फैला सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये टूल दिया है ना आपको,
तो ऐसे में क्या होता है कि रूमर बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है ना, और ये हर जगह हो रहा है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि एक अफवाह फैलने की वजह से, एक फेक न्यूज़ फैलने की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से हम लोग आपके पास में आए हैं। मेरा नाम दामोदर बेद है और मैं दुमका ज़िला का रहने वाला हूँ, और मेरा व्हाट्सएप में ये आया है कि अगर कुमारी लड़की के पास मोबाइल रहेगी तो उसके माता पिता को 51,000 का दंड देना होगा। ये मैसेज कितना सच है और कितना झूठ है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो हम आपको सिंपल स्टेप कुछ बताएंगे जिससे जिसके जरिए जो है आप चीज़ें पकड़ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी जो है खबर वो फेक न्यूज़ है, कौन सी नहीं है। तो हम सबसे पहले जब हमारे पास, हम पहले URL की बात करते हैं। URL सबको समझ में आता है? कौन ऐसा है जिसको URL नहीं समझ में आता है? कोई है? मैं क्लियर कर दूंगा ना, मतलब www.facebook.com है ना, अब तो फेसबुक भी नहीं लिखना है, मतलब fb.com है ना, तो ये एक URL हो गया है ना। सबसे पहले आप जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि ऑथेंटिक सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लीजिए, है ना। अनऑथेंटिक सोर्सेज क्योंकि होता यह है कि जो नया मीडियम है, जो सोशल मीडिया है, उसमें आपके पास में 1000 ऑप्शन हैं, 1000 तरीके की वेबसाइट्स हैं, है ना, जिनके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, चीज़ें समझ, मतलब सूचनाएं ग्रहण करते हैं ना। तो उसमें होता यह है कि जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स नहीं हैं उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा अखबार पढ़ा जाता है प्रभात खबर या दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण या पत्रिका, जो भी है ना, तो वो सालों से लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद पे विश्वास करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो अगर दैनिक जागरण में या प्रभात खबर में कुछ छपा है तो तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होगा, है ना। या आप आज तक देखते हैं, BBC देखते हैं, NDTV देखते हैं, जी न्यूज़ देखते हैं, कोई भी टेलीविज़न चैनल देखते हैं, तो उसको आपको ये लगता है ना कि उसकी एक विश्वसनीयता है ना, उसका एक मतलब, वो कम से कम उसके इंटरप्रटेशन कुछ भी हों लेकिन फैक्चुअली वो आपको इनकरेक्ट कोई चीज़ें नहीं बताएंगे, जो घटना हुई नहीं हो ऐसी घटना आपको नहीं बताएंगे, है ना। अखबार में कोई भी छपी हुई कोई घटना है तो आप उसको संदेह की नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको 20 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, है ना, golgappa.com इस तरीके की खूब सारी इन्फॉर्मेशन है ना। तो वैसी अनऑथेंटिक वेबसाइट से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने से बचें, है ना, पहली चीज़। ऑथेंटिक जगहों से, वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन लें। दूसरी चीज़, जब आप उसका URL चेक कर रहे हैं किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट का, तो उस URL को कायदे से चेक करिए क्योंकि उसमें बहुत पायरेसी होती है। मसलन कि जैसे आज तक का URL है aajtak.in, है ना, लेकिन जो पायरेसी करेगा वो उसका URL चेंज करके कर देगा aajtak.in, या इंडियन एक्सप्रेस का i की जगह वो स्मॉल l लगा देगा, समझ रहे हैं आप। तो इंडियन एक्सप्रेस में i और l में बहुत फ़र्क आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं पहली नज़र से। तो एक तो ऑथेंटिक जगहों पे इंफॉर्मेशन लें, दूसरी चीज़ यह है कि उसका URL कायदे से चेक करें। अब जब दोनों चीज़ें आपने चेक कर लीं तो तीसरी जगह पे आपको कहाँ गड़बड़ हो सकती है, वो ये है कि जो अखबार पढ़ने का बुनियादी नियम है, मान लीजिए ये सिद्धो कानो वाली जो घटना बता रहे थे अभी मृत्युंजय जी, ये साल भर पहले की घटना है, समझिए, है ना। उसको प्रभात खबर ने छापा होगा, उसको आज तक ने छापा होगा, उसको हर ऑथेंटिक वेबसाइट ने छापा होगा क्योंकि बड़ी घटना है ना, तनाव जैसी स्थिति थी। अब वो खबर जो है वो एक साल पुरानी है, अगर किसी को शरारत करनी है तो वो उसको फिर से रिसर्फेस कर देगा, है ना। तो आपको तीसरी जो चीज़ है वो ये देखना है कि URL में जो खबर बताई गई है ऑथेंटिक सोर्स है, URL ठीक है, तो उसका डेट क्या है। डेट और टाइम आता है ना उसमें, फलाने दिन को फलाने टाइम को अपडेट हुआ था ये, तो उसका डेट और टाइम थोड़ा सा कायदे से देख लीजिए। ये तीन चीज़ें आपको URL में चेक करनी है। चौथी चीज़ होती है, हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशंस आती हैं जो कि फोटोग्राफ के जरिए आती हैं, कोई पिक्चर के जरिए आती हैं ना, वैसी इन्फॉर्मेशंस में आप खास तौर पे ध्यान दीजिए कि उसमें आपको URL के जरिए भी चेक नहीं कर सकते। तो आप वैसी इन्फॉर्मेशंस को फेसबुक पे, सॉरी इंटरनेट पे जाके उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि कोई दूसरी जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन छपी है कि नहीं है, कोई जो इस फोटो में जो क्लेम किए जा रहे हैं वो दूसरी जगह पे छपे हैं कि नहीं है, वो कितने सही हैं ना। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो पांचवा और आखिरी स्टेप ये है कि आपको जो आपके पास में जो फोटो है या जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जो आपको अनऑथेंटिक लग रही है, उसको बहुत सारे ऐसे मिथबस्टर वेबसाइट्स हैं, जैसे आज तक भोपो बजाओ चलाता है, एबीपी न्यूज़ वायरल से चलाता है, हम लोग ललन टॉप जो है वो पड़ताल करके पूरा सेक्शन चलाते हैं, तमाम तरीके के ऑल्ट न्यूज़ करके एक वेबसाइट है वो खूब अच्छा काम करती है ऐसा। तो वैसी वेबसाइट्स को आप मेल डाल के पूछ सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है कितना ऑथेंटिक नहीं है, है ना। तो अगर जब तक हमारे कुल कहने का लबल हुआ भी है कि जब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड मत करिए, फेसबुक पे शेयर मत करिए, है ना। क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके साथ में थोड़ा सा सेंसिबिलिटी बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोगों के खासतौर पर आप लोगों की उम्र के जो लोग हैं, जो बिल्कुल अभी नौजवान हैं, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मान लीजिए चाय की थड़ी पे बैठ के कर रहे हैं ना, आपने इनको गाली दी, दोस्ताना दी, लड़ाई में दी, झगड़े में दी, गुस्से में दी, इनका रिसीविंग एंड ये है। लेकिन आप अगर फेसबुक पे किसी को गाली दे रहे हैं तो वो इनके अलावा 100 और आदमी देख रहे हैं ना, तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके का माहौल, किस तरीके का एनवायरनमेंट पैदा होगा। तो आपका जो साइबर बिहेवियर है वो थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए ना। आप कोई फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कुछ शेयर कर रहे हैं या आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सोच के चलिए कि आपका लिखा हुआ, आपका फॉरवर्ड किया हुआ एक एक चीज़ जो है वो 10 और आदियों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कि अपने देश से प्यार नहीं करता हो, कोई ऐसा है? जब हम इस देश में, इस समाज में रह रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि ये बढ़िया सिविल सोसाइटी बने, है ना, एक अच्छा समाज बने, है ना, जिसमें हम लोग खुद रह रहे हैं। तो हमको ये थोड़ा सा तय करना पड़ेगा, अपने से ये इंटरवीन करना पड़ेगा इन तमाम सिचुएशंस में कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है उनको फैलाएं नहीं, और जो हमारा साइबर बिहेवियर हो वो संवेदनशील रहे। आप में से किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर हम इसको पूरी वर्कशॉप को यहीं पे अंत कर लेते हैं, है ना, इसको यहीं पूरा मान लेते हैं। आप लोग भी जो इसको इंटरनेट पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, आपसे भी हमारी यही गुजारिश लगातार रहती है कि आप अपना साइबर बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील रखें। उसको जब आप किसी भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके बाद दो बार सोचिए कि ये कितना सही है और किस जिसको आप भेज रहे हैं उसके ऊपर क्या असर करेगा। ये सोचे बिना आप अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल मत करिए, हमारी लगातार गुजारिश रहती है। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है राशिद, शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।